सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे, अपनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का हम जो पीछे का क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आए हैं। तो आज का हमारा ये तीसरा पेपर है हरियाणा ग्रुप डी का। पीछे के पेपर भी आप जरूर प्रैक्टिस करें और NTA बेस हमने 1500 प्लस जो आपको क्वेश्चन दिए उनको भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। जिस भी साथी ने NTA बेस हमारे 1500 क्वेश्चन नहीं लिए तो जो नीचे नंबर दिया गया भाई उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट PDF दी जाएगी। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के जो पेपर के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाइए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आता है, राजनीतिक दलों में राजनीति के प्राधिकरण पर एक बहस के माध्यम में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के लिए एक आर्मरिक उपाय के रूप में प्रतीक कर्तव्य च्युति कानून किसके माध्यम से लाया गया भाई? कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से यह कानून लाया गया था? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को सच्चा नेता बनाया भाई? ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ भाई जिसमें गांधी जी सच्चा नेता बन के उभरे हैं? तो ऐसे होगा आंदोलन जो आपका 1920 में चलाइए, गांधी जी का चौथा आंदोलन था। अब मैं आपसे पूछूं भाई, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है और हरियाणा का गांधी किसको कहा जाएगा और उसका संबंध कहाँ से, ये भी बता दीजिए। और हरियाणा में गांधी जी का जो आगमन है वो कहाँ पे हुआ ये बताइए भाई, ठीक है? तो पहली बार हरियाणा में गांधी जी का आगमन कहाँ पे हुआ ये भी आपने बताना है। तो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई, सोल्व करके देख लेना, पूरी रकम आपके सामने। कई बार क्या है जो रिपीटेड क्वेश्चन आपके ज्यों के त्यों एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके बेस पर आपके कई क्वेश्चन हल होंगे। इसका आंसर डी आएगा भाई, इसका आंसर आपका -3 आएगा, ठीक है भाई? तो भाई जो मैथ है वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ, जो सोल्व करने के क्वेश्चन हो आप कॉपी पेन उठा के बैठा करो, तो आपको सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब का स्थान किस पर होगा भाई? दर्पण के 8 सेंटीमीटर सामने होगा। ये भी निकाल के देखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कढ़ाई किया गया सोल क्या कहलाता है? दो साला कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा? दो साला। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या बताना भाई कितनी है? 18 संख्या हो जाएगी। सिरी पी दक्षिण की ओर चल रहे हैं, 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फलाना दिखड़ा। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, ठीक है? अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 15 मीटर, ठीक है ना? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। मैथ का क्वेश्चन आ गया आगे, इसको भी सोल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है भाई? समरूपतापूर्ण करें भाई, जैसे ज्यामिति क्या यूक्लिड से है, तो निर्देशालय ज्यामिति किससे हो जाएगी? रीनी डेस्कोर्ट से, ठीक है? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताना भाई, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा CaO2Cl, ठीक है भाई? CaO2Cl, ये हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो किसके लिए भाई? गणों का उपयोग होता है। तो किसके लिए गणों का उपयोग होता है? मंडल के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। मंडल के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है भाई, ठीक है? बहुत से गणों का उपयोग मंडल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर आएगा भाई? दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग आपका आ जाएगा कहाँ पर भाई बताना? पश्चिम बंगाल में। तो क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बताइए। दार्जिलिंग जो आपका पश्चिम बंगाल में। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे हम कह सकते हैं भारत छोड़ो अगस्त जो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1942 में, ठीक है भाई? तो उसके संबंध में यह सम्मेलन किया गया था अक्टूबर 1907 में, किसके जरिए? लाला लाजपत राय के जरिए। तो लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हरियाणा में, हिसार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया भाई, जो दी गई रकम है उसमें लुप्त अक्षर में चुनना है, PT बनेगा। अगर आपको इनके क्रम याद है ना, जैसे B2P F6P जी जो आपका आएगा 10P N14P, तो ये बिल्कुल आसान बनेगा आपके लिए। इनको निकाल के देखोगे तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, देख लेना भाई। K का मान पूछा इसने 15, 5, 10, इनमें से कोई नून। तो होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? MK गांधी के जरिए। हरियाणा में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए भाई? यदि 21 जुलाई को शनिवार है तो उसी वर्ष 4 जुलाई को बताना भाई। पीछे का दिन पूछ लिया, 4 जुलाई 21 जुलाई, ठीक है? तो इनका अंतर करोगे तो जो अंतर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना, और जो आपका शेष बचेगा ना उसमें 21 जुलाई को शनिवार, तो शनिवार से पीछे जितना आपका शेष आएगा क्या उतने दिन आपको पीछे चलना है, ठीक है? तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? बुधवार बन जाएगा। अंडमान और निकोबार किसके द्वारा पृथक होते हैं? 4 डिग्री चैनल के जरिए। बिंदुओं में जो जैसे कि A+B या A-B, A-B
बी ए प्लस बी के बीच की दूरी पूछी भाई, इनमें से कोई नहीं निकाल लो। तो एक पिता की आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 15 वर्ष के बाद बच्चे की आयु का योग पिता की आयु से दोगुना हो जाता है, तो पिता की आयु याद करें 45 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश भाई। प्रत्येक की जैसे 1.5 सेंटीमीटर जो भुजा वाले 3 क्या घनों को आर में एक दूसरे से जोड़ा गया है, परिणामी ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, 31.5। ठीक है भाई, मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी बनेगी भाई। तो प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, ये भी बिल्कुल आसान है, इसको भी निकाल लोगे तो भाई आपका आंसर इसमें 43 बनेगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं क्योंकि 43 ऑप्शन में नहीं दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध कहाँ से है भाई? जूही चावला कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? अंबाला से। ठीक है, तो जूही चावला इसमें अंबाला से आएगी, रोहतक से नहीं आएगी, तो देख लेना भाई। जूही चावला है एक आपके ओमपुरी जी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? वो आपका अंबाला से। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया? ली कार्बूसियर ने, फ्रांस के निवासी थे, तो 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्या बटे 2 सेंटीमीटर, ये देख लेना भाई कैसे निकलता है। पुरातत्विक खोज दर्शाई गई है, हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था भाई कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है भाई, ये 9वें विषय में। ठीक है, एशियन खेल 2018 पुरस्कार के लिए किसे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? बजरंग पुनिया को भाई। ठीक है, अगर मस्तिष्क के लिए विशेषज्ञ क्या हो जाएगा? देखना, तो अगर मस्तिष्क के लिए देखना इसमें विशेष हो जाएगा। कोशिका द्रव्य या नरबंधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दोनों हमारे इसमें कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान बनेगा। समीकरण देख लेना भाई, समीकरण भी निकाल के देखो। तो राष्ट्रवाद है भाई जो आपके लिए, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या आएगा? दोनों सत्य बनेंगे। इसे समकेन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। इसे क्या एकात्मकता या संघवाद बहुत से नए राज्य में टूट सकता है। ठीक है ना भाई, राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चन है तो दोनों सत्य है। तो निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का विलय किसके द्वारा किया गया? कौन से देश के जरिए विलय किया गया? जापान के जरिए। हरियाणा की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? सरदार ऊधम सिंह की सिफारिश पर, 23 सितंबर 1965 को। देख लो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि आई सी का कुट 17 हो जाएगा, इनके नंबर दिए गए हैं, तो टी ए का यानी टी का जो कुट बनेगा वो कितना बनेगा? 26 भाई, क्योंकि टी 20 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, तो इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर 26 बनेगा। नेक्स्ट है भाई, इल्बर्ट बिल विवाद के कौन से व्यवसाय जुड़े हुए हैं? तो लॉर्ड रिपन भाई इल्बर्ट बिल विवाद के साथ जुड़े हुए हैं। सरकला दी गई है भाई, मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या बतानी है, 27 बनेगी। सुल्तानपुर पक्षी बिहार कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? आपका गुरुग्राम में। नीचे दिए गए, तो नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए, इनमें अधिकतम में से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अधिकतम, फिर उसमें न्यूनतम क्या आएगा, जैसे कि आइस कैप, मोम जल और नदी, आपका आंसर बनेगा। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित प्रदेश के आसपास थी भाई कुरुक्षेत्र आधार नीति। हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 15वां या 17वां बताओ भाई, 15वां या 17वां, 14वां या 16वां, सही आंसर बताना भाई। 11वें राज्य विधानसभा चुनाव किसके दौरान हुए भाई? 2014 के दौरान। 1930 तक कांग्रेस में हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी का मिश्रण है भाई संस्कृत, हिंदू और आपकी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय श्रेणी पर दोड बेटा चोटी स्थित हो जाएगी? तो ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित हो जाएगी। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। उस द्रव उत्तक का नाम बताओ जो रक्त के समान परंतु रंगीन है, उसे प्रोटीन कम होता है, तो वो आपकी लसीका हो जाएगी। भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे, तो ये कथन आपके सामने दिए गए, हमारा मिलान हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है ना, शुरू वाले क्या हमारे तीनों सही, क्योंकि 1950 में कृषि उत्पादन में क्या हरी क्रांति आई है? इनमें गेहूं के बीज की उच्च उत्पादक किस्में भी केवल लाई गई हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग किया। ठीक है भाई, ये हमारे लिए सही हो जाएगा। बू अली शाह कलंदर की जो मस्जिद है वो कहाँ पे हो जाएगी? पानीपत में। तो किससे संबंधित हो जाएगी? ये संत सूफी से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाग और फुलकारी का संयोजन कहलाता है आपका लूर, क्या कहलाएगा? लूर। नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से भिन्न शब्द में चुनना है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, रामायण किसके द्वारा, अलीबक्स के जरिए, महाभारत किसके जरिए भाई? तो महाभारत किसके जरिए भाई? पंडित जो आपके कौन थे भाई, सत्याधरी शुरू देख लेना। ठीक है भाई, महाभारत किसके जरिए लिखी गई है? तो यहाँ पे जो महाभारत आएगी क्या वेद व्यास के जरिए नहीं आएगी, हरियाणा की पूछी है, तो हरियाणा की देख लो या फिर
जो आपको महाभारत लिखी गई है उसका पता होना चाहिए, ठीक है भाई। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के जरिए, रामायण अलीबख्श के जरिए, तो उपनिषेद किसने लिखी भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिन शब्द हो जाएगा, ठीक है, उपनिषेद इसमें आएगा नहीं। तो बाइक पर थिएटर योजना किसके द्वारा शुरू की गई, सत्यजीत रे के जरिए, ठीक है भाई, सत्यजीत रे के जरिए ये परियोजना शुरू की गई थी। यदि पी ई 0.75 है तो ई उनकी प्रायिकता 0.27। यमुना नदी हरियाणा में उनके पास से प्रवेश करती है, ग्लेशियर के पास से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है भाई, चांदी की। कलाक्रम यानी काल क्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना भाई, अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, तरलिया गोल में जो सम्मेलन हुआ, 2, 3, 1 हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले पुनः समझौता, उसके बाद क्या अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्या है तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ है। कोस टीटा या साइन टीटा संबंधित क्वेश्चन भाई देख लो, ठीक है। तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष में आया था भाई, 1803 में। निम्नलिखित में उच्च अभिक्रियाशील धातु बताना भाई, जस्ता हो जाएगी। निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, वो आपका कौन सा आएगा भाई देख लियो, इसमें क्या बनेगा आंसर। तो नाभिकीय खनिज और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो सही जवाब हमारा केवल एक हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान और जो झारखंड है उसमें यूरेनियम खनिजों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, केवल एक। खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता भाई रोटी की कटोरी, ठीक है, गेहूं की कटोरी। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला हो जाएगा, फरीदाबाद। वह संख्या याद करें जो अन्य तीनों से भी इन्हें 12, 33, 6 आ जाएगा, ठीक है। 1, 2 अंकों की संख्या का 7 गुणा उसके अंकों के स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या 4 गुणा है, तो अंकों का अंतर बताओ, तो इनमें से कोई नहीं। भाषा और संस्कृत के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता की गई, सैयद फजल अली शाह आयोग की अध्यक्षता की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का, तो आई खालिस्तान टू गो आउट बट आई हैड टू मच वर्क हैव होप, ठीक है। टू दी बैंक मैनेजर यट यट आया तो हैव यू राइट नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गिव सिंगल वर्ड्स इन, तो गिव सिंगल वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपीरियंस, तो ये देख लेना भाई इसमें क्या आएगा, बायोग्राफी आएगा, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबोव द अदर्स, तो बायोग्राफी। तो क्या तो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक ऑफ डूइंग रॉन्ग बताना भाई, कौन सी स्पेलिंग है, ठीक है, इसमें इल्ट्रेटर रोंग हो जाएगी हमारी, इल्ट्रेचर है या इल्ट्रेटर देख लो। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ भाई बेइज्जती करना, तो हरि ग्रंथ पढ़ेगा इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये हमारा कर्म हो जाएगा, क्योंकि हरि क्या पढ़ेगा, ग्रंथ। जगत प्लस में इसमें व्यंजन सिंधी हो जाएगी। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची शब्द बताएंगे तो मीन हो जाएगा, ठीक है, सुमेलित करेंगे जैसे 27 से 56 है भाई देख लो, 87 है भाई, ठीक, 87 क्या हमारा आ है, 56 हमारा ऐ है, ठीक है, 35 हमारा ई है, तो 69 हमारा क्या आएगा, ये छोटी आ जाएगा, ठीक है, इनका मिलान करेंगे तो हमारा डी आंसर। यानी हम कितने क्वेश्चन देख गए आपके सामने, 90 क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस भी साथी को पीडीएफ की जरूरत है मैसेज कर दो भाई जल्दी से, ठीक है, पीडीएफ दी जाएगी, सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, पीछे के पेपर एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपका क्या भाई मोटिवेशन आपको मिलेगा इन चीज़ों से। हाँ, मैंने पीछे हरियाणा ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए हैं वो देखे हैं, और हम भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आपने हमें प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।